ऋतिक रोशन को क्रिस 4 में देखने का सपना अब बस सपना ही नहीं रहा बल्कि बहुत जल्द पूरा भी होने वाला है, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और कहा जा रहा है कि फाइटर की रिलीज और वार 2 के कंप्लीट होने के बाद ऋतिक रोशन क्रिस 4 पर ही काम करने वाले हैं। जब ब्रह्मास्त्र आई थी तो क्रिस यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले राकेश रोशन जी का ये कहना था कि वो दिखाएंगे कि सही VFX क्या होता है। तो भैया हम तो एक्साइटेड हैं ही ये जानने के लिए कि सही VFX क्या होता है, लेकिन डर इस बात का भी है कि कहीं अच्छे VFX के चक्कर में हमें आदि पुरुष पार्ट 2 ना देखनी पड़ जाए। केवल अच्छे VFX से कभी भी कोई फिल्म हिट नहीं हो सकती, उसके लिए अच्छी और ओरिजिनल स्टोरी का होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर क्रिस 4 को हिट होना है तो उसे क्रिस 3 वाली गलती नहीं दोहरानी है जो थी X-Men को कॉपी करना, क्योंकि आजकल कहीं से एक लाइन भी कॉपी करी जाती है तो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो स्टोरी को ओरिजिनल होना जरूरी है, और क्रिस का यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसके काफ़ी सारे प्लॉट्स पर काम किया जा सकता है। इसके साथ ही फिल्म में गाने जितने कम और एक्शन जितना ज़्यादा होगा वही सही होगा। हाँ, माना कि गानों के बिना बॉलीवुड की फिल्में मतलब चीनी बिना चाय, लेकिन ये एक साइंटिफिक फिल्म है और इसमें जितने कम गाने हो उतना ही अच्छा। और इसी के साथ क्रिस के सूट में भी काफ़ी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी सुपर हीरोज की तुलना में क्रिस का सूट इतना हाईटेक वाला नहीं है। जबकि आप अगर मार्वल के फैन होंगे तो आपको पता होगा कि आयरन मैन का सूट इस पूरे यूनिवर्स की काफ़ी सारी हाईलाइट में से एक है, जो हर बार अपना सूट अपग्रेड करते रहते हैं। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि क्रिस का सूट भी अपग्रेडेड हो और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जो आज से पहले कभी यूज ना की गई हो। और फिल्म का विलन भी टक्कर का होना चाहिए, जैसे थानोस था, जिसे हराने के लिए एवेंजर्स की पूरी आर्मी को एक साथ आना पड़ा था। और इस विलन का विलन बनने के पीछे जो रीजन था कि आखिर उसने विलन बनना क्यों चुना जबकि वो हीरो बनकर अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर सकता था, वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए, जैसे थानोस के केस में था, जो पूरी दुनिया को ख़त्म करके एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जिसमें लोग मतलबी ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आने वाली है। और दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।